तो स्वागत है आपका दोस्तों का फिर से स्टडी नाम यूट्यूब चैनल पे। मैं लक्ष्मी शांडिल आज आपके लेकर आ गया एक नया वीडियो नए टॉपिक पे, और जो इसी वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का, और वो हमारा थर्ड चैप्टर है क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ा दिया है। और हमारा जो थर्ड चैप्टर वो कौन सा है, वो है हमारा जो थर्ड चैप्टर ड्रेनेज। तो हम आज पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और बेल का आइकन दबा दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए हम पहले ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज क्या है भाई? ड्रेनेज हम समझते हैं कि मतलब ड्रेनेज नाम से हम समझेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो ड्रेनेज मतलब ये नहीं कि जो आपके आस पड़ोस घर के बाहर जो आपका नाली या सीवर्स जो आपके होते हैं उसे, या फिर आप इंडस, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी 7th या 6th में, कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी बहुत अच्छी थी, वेल फैसिलिटेटेड थी ना। तो ये वो वाला ड्रेनेज नहीं है। यहाँ पर ड्रेनेज क्या होता है रिवर सिस्टम के बारे में ना, कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड रिवर का ड्रेनेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब पहले हम इस वर्ड से समझेंगे कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक ना। पहले हम समझेंगे कि रिवर सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज समझने के लिए हमको पहले क्या समझना होगा, रिवर सिस्टम। तो अब रिवर सिस्टम में आता है, रिवर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्वतः रिवर आती है यानी नदी आती है, सहायक नदी आती है, और वितरित ना यानी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और रिवर्स की मतलब मेल को आप क्या कहेंगे, आप रिवर सिस्टम कहेंगे, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी आप जानते हैं, सहायक नदियां यानी जो छोटी नदी, आपको मैं आप समझा देता हूँ। पहले हम आते हैं, आप नदी तो आपको पता ही है ना, ठीक ना, नदी आपको पता है। अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जैसे अब एक नदी है, ठीक ना, आप उदाहरण के तौर पर आप गंगा ले लीजिए कि ये गंगा रिवर है, ठीक ना। अब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होती है, सहायक नदी, जो एक छोटी नदी जो कि आगे बड़ी मुख्य नदी से आती है और अपना मतलब आती है और उसमें जुड़ जाती है और अपना पानी उसमें विलीन कर देती है, मतलब जितना भी अपना पानी है वह उस नदी में विलीन कर देती है। तो अब उसका एग्जाम्पल हम ये क्या है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका है गंगा, ठीक ना, ये आपका है गंगा। अब गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना। आपको पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक ना, और आपका यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गंगा जो अपना आपका यमुना भी है वो भी एक मुख्य नदी है यानी मेन रिवर्स है, तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, यमुना एक मेन रिवर नहीं है, गंगा मेन रिवर है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना गंगा की क्या है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो वो कहाँ दोनों मिलती है भाई, कहीं ना कहीं तो एक मिलेगी ना वो नदी, तो वो कहाँ मिलेगी, वो आपका अलाहाबाद यानी अब जो उसका नाम प्रयागराज है, वो प्रयागराज में आके मिलती है ना, प्रयागराज में आके मिलती है। आपने कुंभ का नाम भी सुना होगा, वहाँ पे लोग हमेशा हर साल नहाने जाते हैं कुंभ मेला में, जिससे लोग कहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, तो ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे अब आप यहाँ मैंने आपको समझा देता हूँ कि मैंने आपको बता दिया, अब इधर से आपका आ गया यमुना, ठीक ना, यमुना आके गंगा में मिल गई और अपने सारा पानी इसके अंदर विलीन कर दी, यानी आपका इधर से आई आपका पानी इधर इसमें विलीन कर दी, यानी ये आपका इसके इसके अंतर्गत चली गई और ये अपना पानी विलीन कर दी। अब ट्रिब्यूटरी तो हमने जान लिया कि ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में, ठीक है, उसके भी एग्जाम्पल में हम गंगा लेंगे, ठीक ना, गंगा। अब गंगा मेन रिवर है, ठीक ना, तो आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज पहाड़ी या फिर स्लोपिंग पे रहता है तो वो बहुत तेज रहता है, ठीक ना, तेज रहती है, तेज अवस्था में रहती है, ठीक है। वैसे गंगा भी जब अपना हिमालयन माउंटेन पे रहेगी तो बहुत ही तेज अवस्था में, यानी सब काटते हुए चीरते हुए अब आपका जब भूभाग स्तर पे यानी प्लेन समतल पे आएगी, क्योंकि वहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी जब वो पहाड़ से नीचे उतरेगी, और जब ये प्लेन में आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे बहने स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये आखिरी यानी समुद्र में मिलने जाएगी, ठीक ना, जब आखिरी में अपना डेल्टा बनाती है, ये समुद्र में मिलने जाएगी, तो इस जो भाई पता ही होगा आपको कि जब रिवर प्लेन में बहती है या फिर माउंटेन में बहती है तो वहाँ से क्या लेके आती है, आपका जमाव यानी सेडिमेंट्स लेके आती है, तो आपका सॉइल लेके आती है, तो वही सॉइल जब आखिरी में डेल्टा में मिलती है तो भाई गिरने में थोड़ा मेहनत लगेगा उसको भी, कि आपका एक बहुत सारा बहुत ज़्यादा एक सॉइल यानी सेडिमेंट लेके जाएगी, तो आखिरी में आपको नदी उसको सागर में गिरना है। तब जब वहाँ वो गिरने जाती है
तो एक तरह से आपको कह सकते हैं बूढ़ी अवस्था उसका हो जाता है, ठीक ना, बहुत धीरे धीरे वहां पे चलने लगती है। तो जब ऐसा सेडिमेंट्स, आपको पता है कि अगर यहाँ पे कितना सेडिमेंट्स जमा हो गया, ठीक, यहाँ पे ऐसा सेडिमेंट्स जमा हो गया, सेडिमेंट्स आपका जमा हो गया, तो यहाँ से एक धारा निकल जाएगी, ठीक ना, यहाँ पे एक ऐसी धारा निकल जाएगी। और अगर मान चलिए आपका यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो गया तो फिर यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से ऐसी धारा निकल जाएगी और ये बीच में से आपका बह जाएगी, ठीक। तो ऐसी दो धाराएं आगे जाके, मतलब दो धाराएं नहीं, बहुत सारी धाराएं निकल जाती हैं, लेकिन जो आपकी मेन गंगा रिवर से इसके एग्जांपल का हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज बताएंगे, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कितनी हैं, दो हैं, जो कि कहाँ बनती हैं, वेस्ट बंगाल में बनती हैं। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी इसकी बनती हैं, एक बनती है आपकी हुगली और दूसरी बनती है भागीरथी। अब हुगली का आपका नाम सुना होगा कि हुगली के ऊपर आपका हुगली ब्रिज है, ठीक ना, आपको पता है, जो कि ब्रिटिश के समय बना था आपका हुगली ब्रिज, आपको पता है। अब वो हुगली हो गया आपका हुगली रिवर। अब भागीरथी भी आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग भागीरथ गंगा का ही नाम रहता है, लेकिन आगे जाके जब इसका जब ये डिस्ट्रीब्यूटरी है तो इसका नाम भागीरथी है। तो ये आपका मैंने डिस्ट्रीब्यूटरी भी समझा दिया, ट्रिब्यूटरी भी समझा दिया, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या समझा, अभी रिवर सिस्टम समझा, ठीक ना, हम अभी तक क्या समझ लिया कि रिवर सिस्टम। अब हम पहले बता, रिवर सिस्टम तो हमने समझ लिया, अब हम ड्रेनेज समझेंगे, इसी के माध्यम से हम ड्रेनेज समझेंगे। अब ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज आपका है कि इन्हीं रिवर सिस्टम के मेल को, जिसमें ट्रिब्यूटरीज आती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज आती है और खुद रिवर आती है, अब उन्हीं के मेल को, यानी ये सब मिला जुला के आपका क्या बन जाएगा, ड्रेनेज बन जाएगा। यानी एक गंगा का आपको एग्जांपल लीजिए कि गंगा के सारे मेल को आप क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ड्रेनेज। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, ठीक है, यानी एक रिवर सिस्टम से जो एरिया प्रभावित होता है उसे आप ड्रेनेज कहेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे।